इस चुनाव में लगातार सरकार जो है सरकारी मशीनरी का बड़ा दुरुपयोग कर रही है, लोगों में ऐसा माहौल पैदा करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है ना केवल लगाई है, बल्कि भाजपा के प्रचार करने वाला कोई भी लीडर जब आता है तो उसके साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल भेज करके दहशत का माहौल बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। लोग तो इस बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। खास करके जो कुछ समर्थन में इनके आए हुए लीडर हैं, उनको जिस ढंग से इन्होंने पुलिस फोर्स पर प्रोवाइड कर रखी है, वो भी एक सत्ता का दुरुपयोग है। ऐसे लोगों को तो तड़ी पार कर देना चाहिए जो आज लोगों में भय का माहौल बनाने और जिनके खिलाफ इस किस्म के केस हों, इस पर 302 की धाराएं लगी हों, जो 120B में फंसा हुआ हो, जिनके खिलाफ रेप के मामले हों, ऐसे लोगों को इलेक्शन में पुलिस प्रोटेक्शन देने की बजाय इलेक्शन कमीशन को तड़ी पार करना चाहिए जिले से। जिस ढंग से लोगों का रिस्पांस है, सरकार के प्रति जो नाराजगी है, आप लोगों ने सबने बहुत घूम करके देखा है कि अभी तो इनके मिनिस्टर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हल्के में आने की, चीफ मिनिस्टर खुद हल्के में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। मुझे लगता है कि भाजपा की जमानत नहीं बचेगी, जमानत जब्त कराएंगे लोग। वहीं कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे और हुड्डा साहब बारी बारी अपने भाषण में गोपाल कांडा का जिक्र करके कह रहे थे कि मेरा मित्र है। मुझे लगता है कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों फिर एक ना हो जाए, मिल ना जाए। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार पिछले 2 वर्ष से जब से अपोजिशन लीडर बनाए और उससे पहले भी अंदर खाने कांग्रेस बीजेपी की मदद करती रही, राज्यसभा का चुनाव था, उस चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने वोट कैंसिल करा करके इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के एमएलए ने राज्यसभा में सुभाष चंद्रा को जिताने का काम किया था, और फिर अपने बेटे को राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए भाजपा से सहयोग लिया, भाजपा ने उसके सामने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। इससे साबित हो गया था कि ये कांग्रेस के लोग जो है भाजपा की मदद में लगे हुए, खास करके हुड्डा के बारे में ये आम चर्चा है कि हुड्डा बीजेपी की कठपुतली है, बीजेपी जैसे चाहे हुड्डा से उस तरह के फैसले करवाती है। अब कल के भाषण से तो और क्लियर हो गया कि हुड्डा कांग्रेस की बजाय बीजेपी की मदद करके गया है, कहीं ना कहीं सारों इशारों में ये कह करके गया भी कांडा मेरा मित्र है। मैं तो जितना पवन को जानता हूँ, जितना अभय सिंह को जानता हूँ, उससे ज़्यादा कांडा को जानता हूँ, पर ये आपस में मिल भी जाएंगे तो भी लोगों ने एक फैसला कर रखा है, लोग इनकी किसी कीमत पे जमानत नहीं बचने देंगे, लोग इनकी जमानत जब्त कराएंगे। ये लड़ाई जो है सीधे तौर पे अब किसान की और पूंजीपति की है, और इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में खेती करने वाले लोग हैं। यहाँ तो मेरे ख्याल 99% लोग जो है वो खेती के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। 1% व्यक्ति है जो कोई अपना छोटा मोटा धंधा करके
और अपना गुजारा कर रहा होगा। यहाँ कोई पूंजीपति नहीं है, यहाँ तो अपना गुजारा करने वाले लोग हैं। और इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में, कोई अकेला किसान किसान नहीं, 36 जात के लोग हैं। व्यापारियों का समर्थन है, कर्मचारियों का समर्थन है, इवन पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो है वो बहुत सक्रिय है इसमें। यहाँ तक भी मजदूर किसान हर व्यक्ति जो है इस आंदोलन का आज हिस्सा है। इसलिए हर व्यक्ति को इस बात की पीड़ा है कि कृषि के 3 काले कानून वापस नहीं हो रहे। जब तक वापस नहीं होंगे, लोग इनके खिलाफ बड़े मोर्चे के साथ इनका विरोध करेंगे और इस चुनाव में वोट की चोट से इस बात का एहसास भी कराएंगे। आज मंत्री मनोहरी लाल जी ने आरोप लगाया है कि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात, विधायक रहते हुए अभय सिंह जी ने विधानसभा में नहीं रखी थी, विकास में पिछड़ गया है। बनवारी लाल को ये तो पूछ लो, तू कभी विधानसभा में खड़ा होके बोला भी है के? कभी एक दिन एक शब्द भी तैने कहा है विधानसभा में? मंत्री रहते हुए लिखे, अगर किसी का क्वेश्चन भी आ गया तो ये तो ऐसे अनपढ़ लोग है कि आंसर भी नहीं दे पाए। जो लोग स्वयं विधानसभा में कभी एक शब्द नहीं बोल पाए, वो मेरे खिलाफ इस किस्म के आरोप लगाएं तो उनको शोभा नहीं देता। मेरे बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों से पूछो कि विधानसभा में सरकार को सबसे ज़्यादा घेरने वाला व्यक्ति क्या नाम है, वो बता देंगे कि अकेला अभय सिंह चौटाला है जो विपक्ष की भूमिका निभाता है। टीकरी बॉर्डर पे जो हत्याकांड हुआ है उसके बारे में उनका ये कहना है कि वो तो जाने अनजाने में भाजपा के लोगों के साथ फोटो है। जाने अनजाने में कैसे हो सकती है? मेरे साथ कोई फोटो खिंचाएगा वो जाने अनजाने में कैसे खींच के ले जाएगा? फोटो तो तभी खिंचाता है व्यक्ति जब किसी की जानकारी हो पूर्ण रूप से। घर में बुला करके किसी के साथ फोटो खिंचाओ वो अनजाने में नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कि मैं चुनावी सभा में घूम रहा हूँ, मेरे साथ कोई खड़ा होकर के फोटो खिंचाए जाए वो एक अलग बात है, लेकिन निमंत्रण दे करके अगर कोई फोटो होगी तो बिल्कुल जानकारी में होगी। आज माजरा साहब साथ दिख रहे हैं, क्या पुरानी इनेलो एक होगी दोबारा से एकजुट? माजरा साहब हमारे बहुत पुराने साथी है। माजरा साहब मेरे से पहले चौधरी देवीलाल के साथ इन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी, मैं तो राजनीति में बहुत बाद में आया हूँ, ये तो मेरे से पहले के राजनीति के अंदर प्रमुख भूमिकाएं निभाते रहे। यूथ के हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं स्टेट के, और उसके बाद चौटाला साहब के साथ मिनिस्टर रहे, चौटाला साहब के साथ इन्होंने बहुत संघर्ष किया। मेरे साथ भी माजरा साहब ने पार्टी को, संगठन को बहुत मजबूत करने का काम किया। आज भी माजरा साहब खुल करके मेरे पक्ष में यहाँ के लोगों से अपील करने के लिए आए हुए। बाकी बात माजरा साहब बैठे हैं, आप सब हम इनसे करें। चौधरी साहब, दिग्विजय ने कल जनसभा में कहा था कि इनेलो की जो स्थिति है, इनेलो को इस स्थिति में आज एक सीट पर रह गई, वो भी इस्तीफा दे दिया, और वो सबसे बड़ा जो कहते हैं पोता लगाया था देवीलाल जी ने, उसको इनेलो को इस स्थिति में लाना पहुंचाने वाले अभय सिंह चौटाला है मेरे चाचा, ये कहना था उनका। मैं ऐसे बेहुदे लोगों का कोई जवाब नहीं दे सकता, कोई क्वेश्चन राजनीतिक पूछो तो अच्छा लगेगा। माजरा साहब, आपकी आज उपस्थिति बड़े मायने रखती है, आप इनेलो ज्वाइन कर रहे हैं या पार्टी को समर्थन दे रहे हैं या चुनाव को समर्थन दे रहे हैं? आज किसी पार्टी में ज्वाइन करने या ना करने का प्रश्न नहीं है। आज प्रश्न इस बात का है कि किसान जिंदा रहेगा, मजदूर का जीवन बचेगा, व्यापारी रहेगा नहीं रहेगा, और खेती और खेती और मजदूर की क्या हालात बनी है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के चलते हुए इस प्रकार के कानून बनाए गए जिससे मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहेगा, और ब्लैक मार्केटिंग को हौसला मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और जहाँ ये काले कानून बनाए गए इससे हर व्यक्ति देश का प्रभावित हुआ है। और इस बात के लिए किसान संगठनों ने कहा था कि जो हमारे आंदोलन में शामिल होना चाहे वो अपने पद से इस्तीफा दे के आए। हिंदुस्तान के
विधायकों एमपी की ओर निगाहें लगी हुई थी, परंतु देश के अंदर किसी ने भी ये कदम नहीं बढ़ाया। केवल अभय सिंह चौटाला ने किसानों का झंडा बुलंद करते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और हरियाणा विधानसभा में ये कह दिया कि मैं किसानों के पक्ष में हरियाणा विधानसभा से त्याग पत्र दे रहा हूँ। उसके बाद तो किसानों के जड़े पे बड़े नमक छिड़के गए। हरियाणा की विधानसभा इस प्रकार का भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाया गया जिसमें 70% किसानों की सहमति की ज़रूरत थी, उसे ख़त्म कर दिया गया। हमारे देश की सरकार ने इस प्रकार का सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल बनाया लेकर के आए जिससे बिजली का निजीकरण होगा, गरीब किसान मजदूर को कोई भी प्रांतीय सरकार सब्सिडी नहीं दे सकेंगी, और इतना ही नहीं, पराली प्रबंधन के लिए वायु गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इस प्रकार का कानून लेके आए कि अगर कोई किसान पराली जलाएगा उसको 1 करोड़ रुपये जुर्माना और 10 साल की कैद हो जाएगी। और इतना ही नहीं, देश के अंदर पेट्रोल डीजल रसोई गैस महंगी हो गई और DAP खाद लुप्त हो गया। आज लाइनें लगी हुई, जो लोग ये कहते थे MSP है रहेगा और हम अगर वो नहीं मिलेगा इस्तीफा दे देंगे। आज बाजरा 1200-1100 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है, भावांतरी योजना देने के बाद भी 650 रुपये का घाटा किसान को प्रति क्विंटल का है, वो त्यागी पुरुष कहाँ चले गए। और इतना ही नहीं, आज धान उत्पादक किसानों से पूछो कि आज उनके 300-400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नमी के नाम पे, काला पीला दाना के नाम पे उन्हें लूटा जा रहा है। ऐसे माहौल में सवाल लोकदल पार्टी को ज्वाइन करने का नहीं, ऐसे माहौल में तो जो किसानों का झंडा जिसने उठाया अभय सिंह चौटाला ने, वो एक तरफ है और दूसरी तरफ वो काले कानूनों के पक्षधर, वो ब्लैक मार्केटिंग के पक्षधर, वो DAP खाद लुप्त करने वाले, MSP ख़त्म करने वाले वो लोग खड़े हैं। फैसला एलनाबाद की जनता ने और लोगों ने करना है कि किसका साथ दें। ऐसे माहौल में मैंने अपने दिल की आवाज़ से ये सोचा कि अभय सिंह चौटाला को ही मजबूत किया जाना चाहिए, और इसमें सही अकदार वोट का भी अभय सिंह चौटाला है। आप दोनों नेताओं ने लगातार किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया है, तो क्या किसान मोर्चा ने अब खुलकर समर्थन नहीं करना चाहिए? आज ही आपने देखा होगा, आप तो पहले आए हुए थे यहाँ पे, उन लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों की यहाँ से किस प्रकार से कलश यात्रा लेकर के जब किसान गुजर रहे थे, लोग फूल बरसा रहे थे, और जहाँ तक उनका समर्थन ये था, वो ये कह के गए हैं कि हम वोट की अपील तो नहीं करते, पर ये ज़रूर कह के जा रहे हैं BJP JJP और हलोपा के किसी भी आदमी को वोट नहीं देना, किसी कैंडिडेट को नहीं देना। स्वाभाविक है कि जो उनको हराए उसको वोट देना, अपने आप ही अभय सिंह हराए उनको तो इन्हीं को वोट देना है। ये जहाँ तक सवाल है, एक बात और मैं क्लियर करता हूँ आपके बीच में कि बहुत JJP BJP के लोग खड़े होकर कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया। एक तो अपनी तरफ से वो झूठ की दुकान ने जोड़ लिया कि उन्होंने ये कहा कि मैं कानून वापस नहीं होते तब तक विधानसभा नहीं जाऊँगा, ये गलत जोड़ी इन्होंने ही नहीं बल्कि चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन ने न्याय युद्ध में राजीव लोंगोवाल समझौते के खिलाफ, चौधरी देवीलाल ने महम से और डॉक्टर मंगल सेन ने रोहतक से इस्तीफा दे दिया था। क्या आपको याद है कि राजीव लोंगोवाल समझौता तब रद्द हो गया था? नहीं हुआ था, चुनाव आ गया था, चौधरी देवीलाल चुनाव लड़े थे और डॉक्टर मंगल सेन चुनाव लड़े थे, डॉक्टर मंगल सेन चुनाव हार गए थे, चौधरी देवीलाल महम से जीत गए थे, और फिर इसके ऊपर हमने मैंडेट लिया था उस वक्त में, और आज भी यही मैंडेट हम ले रहे हैं लोगों का कि किसानों के, मजदूरों के, मजलूमों, गरीबों, व्यापारियों के ये कानून काले विरोधी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए और जसपा ने इनको फलीभूत किया, तो वो लोग उस तरफ खड़े हो जाएं और जो इनका विरोध करते हैं डट करके अभय सिंह चौटाला का साथ दें। सर आप गाँव में भ्रमण करेंगे? आपसे
जितनी देर में आपको पता लगा है जितनी जहाँ से मेरी अप्रोच थी इतनी देर में तो मजा भी आया। चौटाला साहब, आपने अभी ये कहा कि सरकारी मशीनरी का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है और नरेंद्र सिंह राठी जी ने भी चुनाव आयोग को लिखा है, बावजूद भी अब शेष दिन 9 दिन शेष है और कोई लगाम नहीं लग रही, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, उनकी जिम्मेवारी बनती है। इलेक्शन कमीशन जो हमने शिकायत भेजी है इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, अगर नहीं देखेगा तो फिर इलेक्शन कमीशन पे भी कल लोग उंगली उठाएंगे, कहेंगे कि ये भी निष्पक्ष नहीं है, फिर ये भी सरकारी तंत्र में कहीं फंसे हुए हैं। सरकार घोषणाएं भी कर रही है, उसकी शिकायत भी भेजी गई है। सरकार अपनी तरफ से सारे अच्छे हथकंडे अपनाने में लगी हुई है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और क्या होता है, यही है, इसकी हमने कंप्लेंट भेजी है, देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उस पर क्या एक्शन लेता है। माजरा साहब, आपने एक ट्वीट किया था जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है कि इनेलो को छोड़ के चौधरी देवलाल के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, पुत्र हो, पोत्र हो या पड़ पुत्र हो, वो बीजेपी विरोधी के आगे नतमस्तक है, इसके बारे में आप थोड़ा और बताना। अच्छा होता अभय सिंह ना होते यहाँ पे, क्योंकि इनके परिवार पे लगेगी वो बात, नहीं आप जो अच्छी नहीं लगेगी। आपने राष्ट्र विरोधी सुने होंगे, राष्ट्रद्रोही सुने हैं जी, प्रदेश द्रोही भी सुने होंगे, वो कुल द्रोही भी हैं, क्योंकि सीधा आपने टैग जिन्होंने आज एक कुल का एक चौधरी देवी लाल का पोता चुनाव मैदान में है और उनके मैंने जो ट्वीट किया है वो सही किया है और वो विरोध में खड़े हैं, वो इन काले कानूनों के पक्ष में खड़े हैं और अभय सिंह चौटाला के विरोध में खड़े हैं। अभय सिंह चौटाला का विरोध नहीं है, ये किसानों, मजदूरों, मजलूमों, गरीबों का विरोध है, ये इस देश की द्रोह और संपत्ति जो बेची जा रही है, चाहे वो रेलें बेची जा रही हैं, बंदरगाहें बेची जा रही हैं, बस आपके एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, आप इस देश के अंदर BSNL बेचा जा रहा है, रखा क्या है, देश का चौकीदार कहता है जो देश का विक्रेता बन गया है, आज उसकी गोद में वो लोग बैठे हैं। अभय सिंह जी, कल भूपेंद्र हुड्डा जी ने कल कहा कि वे इनेलो का एक विधायक बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस 31 से 32 कर दोगे तो अगली सरकार कांग्रेस की बन जाएगी, इसके बारे में क्या कहना है? हुड्डा तो इससे पहले ये भी कह गया था कि अभय सिंह 6 महीने के बाद फिर इस्तीफा देगा, वो तो मेरे बारे में क्या जीत गए, तो हुड्डा की बात की भी कोई वैल्यू है? 32 से कैसे बन जाएंगे, 32 तो हम भी थे। उन्होंने ये भी कहा कि अभय सिंह ने सरकार का साथ देते हुए जो है अविश्वास प्रस्ताव का हमारा साथ नहीं दिया, इस्तीफा पहले दे। हुड्डा ने इस सरकार को ऑक्सीजन दी है 6 महीने के अविश्वास प्रस्ताव लाके, अदरवाइज ये सरकार गिर जाती, अविश्वास प्रस्ताव ना आता था, ये तो बचाने वाला है, बीजेपी से मिला हुआ है। आप दोनों से सवाल है, मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया चंडीगढ़ में दुष्यंत चौटाला ने कि जो नॉन सीरियस जो पॉलिटिशियन है अभी वो प्रचार कर रहे हैं और उनसे इनेलो जो है वो काफी तरीके से शिकायत कर रही है, जब हम प्रचार में आएंगे तो क्या हाल होगा, कैसे देखते हैं आप? मतलब ये जो बीजेपी के कांग्रेस के जो नेता घूम रहे हैं नॉन सीरियस पॉलिटिशियन, ऐसा उन्होंने कहा, तो इसका मतलब इनकी पार्टी का अध्यक्ष जो अजय सिंह चौटाला वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, खुद पिताजी और भाई, मैं बता रहा हूँ भाई, उसका बाप उसका भाई दोनों नॉन सीरियस हैं, उनके पिता श्री हमारे साथ मुझसे पूछ रहे हो ना जी, हमारे साथ विधानसभा में, अब इससे ज्यादा दिवालिया इनका और क्या पिटेगा, दुष्यंत ये कहता है मेरा बाप नॉन सीरियस है, मेरा भाई नॉन सीरियस है, इससे बड़ा दिवालिया क्या पिटेगा, इससे ज्यादा क्या होगी, मेरे साथ में ही थे जब मैं इस प्रकरण को दिल्ली वाले को उठा रहा था और कह रहा था गीतिका शर्मा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल आज जिंदा हैं, तो चौधरी अजय सिंह चौटाला मेरे साथ लग के नारे लगा रहे थे और फिर तख्तियां उठा करके भी हमारे साथ अगुवाई कर रहे थे, आज वो गंगा में ना करके आए हैं श्रीमान जी जिनके साथ वो घूम रहे हैं, वो इतने पाप उनके तरे हुए छुटे हैं कि वो तो पवित्र हो गए हैं, गंगा में ना के आ गए हैं, यानी कि जो उनकी तरफ तो चला गया वो तो पवित्र और बाकी के अपवित्र। ठीक है, धन्यवाद आपका।